हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज्ड शॉर्ट सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसे सभी को पता होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में, जानते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, उसे बाहर भेजो, उसे बाहर भेजो, सेंड हिम आउट, सेंड हिम आउट। सेंड का मतलब होता है भेजना, हिम का मतलब उसे, और आउट के मतलब बाहर। तो अभी सबको पता हो गया होगा कि इस छोटे छोटे वर्ड का मतलब भी आपको इनमें बताऊंगा, तो सीखते रहिए। दूसरा है, बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं का हिंदी मतलब होता है सी यू लेटर, सी यू लेटर। सी का मतलब होता है, एक तरह से होता है देखना, यू का मतलब होता है तुम, और लेटर का मतलब होता है बाद में। लेकिन ये सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इस तरह बनाए जाएंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, इसे मोड़ो, फोल्ड इट, फोल्ड इट, इसे मोड़ो, फोल्ड इट। फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना, इट का मतलब इसे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, सभी को पता होना चाहिए। अगला सेंटेंस है, मुझे सलाह दो, मुझे सलाह दो। इसको इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस मी, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और मी का मतलब मुझे, मतलब मुझे सलाह दो। ठीक है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना और मी का मतलब मुझे, ठीक है, मुझे सलाह दो। अगला सेंटेंस है, मुझे सच सच बताओ, मुझे सच सच बताओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे टेल मी द ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ। टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब मुझे, बताया अभी आपको इससे पहले कुछ देर पहले, और ट्रुथ का मतलब होता है सच, सच, ठीक है, सच बताना, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। एक्सप्लेन मी, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, मी मतलब मुझे, एक्सप्लेन मी, मुझे समझाओ। अगला सेंटेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस है जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला सेंटेंस है, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। इसका हिंदी मतलब होगा लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। मी का मतलब मुझे, स्लीप मतलब सोना, ठीक है। अगला सेंटेंस है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस है, यहाँ पे आपके कुछ वॉइस सुनाई देते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेकार जगह पे हूँ बैठा, इसलिए वॉइस सुनाई दे रहा है। अगला सेंटेंस है, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। डोंट का मतलब होता है मत, और गो का मतलब होता है जाना, और आउट मतलब बाहर, बाहर, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। अगला सेंटेंस है, इसे दोहराओ, इसे दोहराओ। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रिपीट इट, रिपीट इट। रिपीट मतलब होता है दोहराना, किसी चीज़ को दोहराना, और इट मतलब इसे, ठीक है, रिपीट इट, इसे दोहराओ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत ही छोटे सेंटेंसेस है, इसे सीखना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। शालीनता से व्यवहार करो, शालीनता से व्यवहार करो को इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, सी यू लेटर।